पूरे साल में शनिवार का दिन उपराजधानी नागपुर में सबसे ठंडा रहा। सुबह नागपुर शहर का न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में भी पारा और नीचे जाने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। यानी कि नए साल की शुरुआत नागपुर वासी कड़ाके की ठंड के साथ करेंगे। साल के अंतिम दिनों में आखिर नागपुर शहर में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। शनिवार सुबह नागपुर का न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि इस साल का सबसे ठंडा दिन है। मौसम विभाग के अनुसार आसमान से बादल छटते ही मौसम साफ हो गया और शीतलहर चलने लग गई, जिस वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। देश का हाल देखें तो दिसंबर माह में सर्दी नए नए रिकॉर्ड बना रही है। पहाड़ों पर तापमान -20 से -30 डिग्री तक लुढ़क चुका है। उत्तराखंड, कश्मीर और हिमाचल में भीषण बर्फबारी हो रही है तो दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में शीतलहर जारी है और उपराजधानी नागपुर समेत विदर्भ में भी कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। साल 2018 में 29 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री दर्ज किया गया था, जो कि 2018 का सबसे ठंडा दिन रहा था। इस साल भी या आने वाले नए साल में ठंड अपना रिकॉर्ड तोड़ सकती है। विदर्भ का हाल देखें तो शनिवार को गोंदिया का न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री दर्ज किया गया, वर्धा का न्यूनतम तापमान 7.5, अमरावती का न्यूनतम तापमान 9.2, अकोला का न्यूनतम तापमान 8.7, चंद्रपुर का न्यूनतम तापमान 5.4, यवतमाल का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री, ब्रह्मपुरी का न्यूनतम तापमान 6.9, वहीं गढ़चिरौली का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुल्ढाणा का न्यूनतम तापमान 9.5 और वाशिम का 11.2 डिग्री दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में इन आंकड़ों में और भी गिरावट हो सकती है। ऐसे में नागपुर वासी और विदर्भ के नागरिक अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखें। इनबीसीएन न्यूज के लिए एकता गैरपार की रिपोर्ट।